some basic examples regarding go to statements. First one, example one, go to केस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, go to always follow क्या करेगा some labels. Labels may be any valid identifier names followed by colon sign. Just मैंने डिस्कस किया था go to doesn't follow property of structured programming language. What do you mean by this property? Structured programming language के according कोई भी things use करने से just पहले declare करना compulsory होता है. लेकिन go to के केस में just आप देख रहे हो इस केस में as a given example. इस केस में लेवल ए यूज पहले हो रहा है जबकि डेफिनेशन और डिक्लेरेशन बाद में प्रोवाइड किया है. इस केस इन दैट केस वी आर यूजिंग लेवल ए विद द हेल्प ऑफ और इनसाइड गो टू जबकि डिक्लेरेशन कहाँ प्रोवाइड किया है आफ्टर इट्स यूजेज. देयरफॉर इट विल ब्रेक्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. फर्स्ट वन और द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम्स. जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ऑलरेडी डिस्कस किया था एग्जीक्यूशन परफॉर्म लाइन बाई लाइन. सबसे पहले स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन जब एग्जीक्यूट होगा इसके इसमें मैसेज डिस्प्ले होगा जाए एस वन. पोर्ट्स फंक्शन यूज किया इसलिए सॉरी प्रिंट एफ यूज किया लेकिन स्लैश एन अप्लाई किया इसलिए कंट्रोल कहाँ सेंड होगा मीन्स कर्सर कहाँ होगा नेक्स्ट लाइन इन साइड मॉनिटर. देन सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड के इसमें स्टेटमेंट टाइप क्या है इसके इसमें गो टू, और गो टू का वर्किंग क्या है मूविंग और सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऑन द स्पेसिफाइड लेवल मीन जिस प्लेस पर लेवल और प्लेस को मार्क किया जाए कंट्रोल उस प्लेस पर सेंड होगा. लेवल याद रखना लेवल कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा. इट इज सिंपली लाइक अ मार्कर मीन इस लाइन को मार्क कर इस लाइन का नेम क्या है इस प्लेस का नेम क्या है एज अ ए. रियल में कंट्रोल उस प्लेस पर सेंड होगा विच इज रिटन बाई यूजिंग गिवन लेवल. लेवल्स और स्टेटमेंट विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट भी विद इन अ सिंगल लाइन भी राइट करना पॉसिबल और सेपरेट लाइन्स में भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है. करंटली कंट्रोल का सेंड हुआ स्पेसिफाइड लेवल ए और ए के जस्ट बाद स्टेटमेंट क्या है एस फोर. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट मैसेज प्रिंट हुआ है एस फोर. दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम एस वन एंड एस फोर. इसके इसमें स्किप क्या हो रहा है एस टू और एस थ्री. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन फर्स्ट वन. सबसे पहले चांस किसको मिलेगा अगेन एस वन. इस केस में मैंने गो टू यूज किए गो टू ए गो टू बी मीन्स इस केस में लेवल्स भी कितने स्पेसिफाई किए हैं टू लेवल्स ए और बी. लेकिन इसका बिहेवियर क्या रहेगा फर्स्ट वन पुट्स एस वन देन मैसेज डिस्प्लेड एज एस वन. एस वन प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या सेकेंड केस में गो टू ए के अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंड हुआ ऑन द स्पेसिफाइड लेवल मीन्स लेवल ए मीन्स दैट वन. लेवल ए के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या अगेन एस फोर. नेक्स्ट वन डिस्प्ले क्या एस फोर. इस केस में स्किप क्या हो रहा है दैट पार्ट. इस केस में गो टू बी को चांस नहीं मिलेगा इसलिए कंट्रोल बी पर डायरेक्टली सेंड नहीं होगा. देन एस फोर के जस्ट बाद नेक्स्ट क्या है बी पोर्ट्स एस फाइव. ऑलरेडी डिस्कस किया था इस प्रीवियस एग्जाम्पल में एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट और लेवल विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट और विद इन अ सिंगल लाइन प्रोवाइड करना पॉसिबल है. देन इसके जस्ट बाद एस फोर के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ मीन्स वन टू. देन एज अ थर्ड स्टेटमेंट चांस किसको मिला एस फोर. इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ नेक्स्ट स्टेटमेंट मीन्स एज अ फोर्थ स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट के इसमें बी क्या है सिंपली डिक्लेरेशन और लेवल डिक्लेरेशन. इसके जस्ट बाद एग्जीक्यूशन परफॉर्म पोर्ट्स इसलिए नेक्स्ट केस में डिस्प्ले होगा मैसेज एज एस फाइव. दिस इज द फाइनल आउटपुट फॉर गिवन केस.